ख्वाहिश है कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी हो, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। मोहसिन नकवी, गंदम बरामद का फैसला वफाकी हुकूमत करती है, पंजाब हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक न था न बनता है। अगर 10 साल बाद भी हमारे खिलाफ कुछ निकल आया तो जवाबदह होंगे। वफाकी वजीर दाखला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मजीद तफसीलात सरदार ताहिर महमूद की इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर दाखला मोहसिन नकवी ने कहा कि गंदम बरामद का फैसला वफाकी हुकूमत करती है, पंजाब हुकूमत का ना कोई ताल्लुक था ना बनता है। लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी हो, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। पंजाब में गंदम के मामले पर इंक्वायरी कमीशन को कुछ नहीं मिलेगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत का गंदम के मामले से कोई ताल्लुक था न है। पंजाब हुकूमत बैरून मुल्क से नहीं, यहाँ किसानों से गंदम खरीदती है। गंदम बरामद का फैसला वफाकी हुकूमत करती है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस मामले में वफाकी हुकूमत की कोई बदनीयती नहीं थी। पंजाब में गंदम के मामले में इंक्वायरी कमीशन को कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी कराई जाए, किसी की ख्वाहिश पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मोहसिन नकवी ने कहा कि मैंने और मेरी पूरी टीम ने 12-13 माह काम किया है, रिश्वत लेने और देने वाले पर लानत है। अगर 10 साल बाद भी हमारे खिलाफ कुछ निकल आया तो जवाबदह होंगे। मैं कोई जिन नहीं हूँ कि अभी ऑर्डर करूँगा और माफिया ख़त्म हो जाएगा। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर जो माफिया बैठा था वो आपको नज़र नहीं आएगा। जो माफिया पीछे बैठा हुआ है वो भी जल्द ख़त्म होगा। जहाँ जहाँ डिमांड बढ़ेगी वहाँ पासपोर्ट ऑफिस का वक्त बढ़ाएंगे। वज़ीर दाखला का कहना है कि दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तारीफ़ नहीं करूंगा तो ज़्यादती होगी। खैबर पख्तूनख्वा के आईजी और पुलिस दिन रात काम कर रहे हैं, दहशतगर्द नाकाम होंगे। सिंध पुलिस भी कच्चे में दलेरी के साथ काम कर रही है। स्कूल्स और कॉलेजेस में मंशियात फराहमी की रोकथाम का मुकाबला करेंगे।